हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं जी 20 समिट के वीडियोस। भाई तो काफ़ी ज़्यादा आज भाई वर्ल्ड लीडर आए हुए हैं भारत में, बहुत ज़्यादा खुशी है भाई सबको। बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। IMF की है जी। इसके साथ एक और बार सलाम लें भाई। क्या हुआ? खुशी हो रही है। ओए होए, क्या बात है यार। ये है IMF की जी। पहले वो इटली नहीं, वो इटली की नहीं थी। अच्छा, क्या बात, ये लो आज चमक उठी है ना हर चीज। सरकारां भी हैं। रौनकें लगी हुई है। ओहो, क्या बात,
लो भाई एक बार एक क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। दिल्ली तो आज चमक रहा होगा और एक आज अलग ही भाई खुशियां हैं। आप देख ले कि सारे लीडर जो भी डेलीगेशन जितने भी भाई एक मेहमान ऊपर वाली कंट्री से भाई पूरा दिल्ली में तो एक बार रौनकें लगी हुई हैं हर तरफ भाई, क्योंकि इस वक्त सारे वर्ल्ड लीडर भाई आप देख ले बाइडन भी और जो भी वर्ल्ड लीडर है ना भाई इंडिया में इकट्ठे हुए हुए हैं और बहुत प्यारा समिट चल रहा है और इतनी इतनी भाई अच्छी और खूबसूरत वीडियोज सामने आ रही हैं क्या आपको बताएं। लेकिन एक भाई इंडिया ने कर दिखाया, एक सोच रहे थे ना जैसे भाई उससे भी ज़्यादा एक प्यारा वेलकम, एक लोगों की खुशी, जो भी आप जिसको भी भाई रिसीव कर रहे हैं सबसे पहले वो जो गोरी आई थी ना भाई वो तो अपना भाई साथ वो भी नाचने लगी थी क्योंकि कल्चर ही ऐसा है। फौरन एक आप लीडर पर आ जाएं तो जब वो ये कल्चर देखते हैं ना तो वो काफ़ी इंजॉय करते हैं और उस कल्चर में ही घुल मिल जाते हैं। अभी एक कुछ एक मतलब कि अभी रिसीव ही उनको किया किसी और जगह पर होते ना, जैसे एक गुजरात में हुआ था उधर तो भाई उन्होंने फुल इंजॉय किया था, लेकिन इधर भी उन्होंने एक स्टार्ट हो जाना था बीच में जाकर, लेकिन अभी तक वो एक होता है ना एक थकावट होती है कुछ सीन होते हैं लेकिन काफ़ी वो इंजॉय ये चीज़ें करते हैं काफ़ी। नहीं बिल्कुल भाई डांस करने की कोशिश उन्होंने की लेकिन ये कि अच्छा वेलकम, हाँ अच्छा वेलकम था भाई। और ये मुझे लगता है कि आईएमएफ डेलीगेशन था जो इधर आया जिनमें से वो उन्होंने डांस आपने देखा है उनका, लेकिन ये कि एक बड़ी बात है कि भाई आईएमएफ वाले हमें तो मुंह नहीं लगाते और इधर आके नाचे मुझे नहीं आईएमएफ वाले थे या कोई और थे डेलीगेशन अच्छा इसमें से थे कोई, फिर क्या बात है भाई इनका तो एक सलाम भी पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का एक सलाम ले ले दो और काफी भाई रौनकें लगी हुई है यकीन करे। एक दो दिन ये काफी इम्पोर्टेंट है एक इंडिया के लिए और एक पूरे वर्ल्ड के लिए भाई। पूरा मीडिया खासकर इंटरनल मीडिया अपना जो है ना नेशन मीडिया, आप कंट्री वाइज मीडिया की बात करें या इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, हर किसी की नज़रें इस वक्त जो है ना वो इंडिया के ऊपर जमी हुई हैं। जैसे जैसे वर्ल्ड लीडर आ रहे हैं, अभी मैं उठाऊँ तो मैंने देखा था दुबई का जो है ना वो भी आ गया है अभी। अच्छा। सलमान मुझे लगता नहीं पहुँचा, बिन सलमान वो देखो उसका कप तक है, लेकिन ये कि उसने जाना जरूर है। एक लड़के ने लिखा हुआ था कि सलमान जाएगा जरूर इधर पाकिस्तान से, लेकिन ऊपर से जाएगा और जाते हुए जो है ना वो बाय बाय करता जाएगा बाय बाय पाकिस्तान, और जो 50 अरब डॉलर उसने देना ऊपर से फेंक के सीधा निकल जाएगा उसको एक ना इन्होंने एक गुब्बारे भेज दिए कि जब भी आप ऊपर से गुजरे ना ऐसे गुब्बारे फेंकते जाना, जिसके पास गुब्बारा चला जाए वो एक लकी ड्रा होगा उसको मिलेगा, उसको मिलेंगे 10 करोड़ 5 करोड़ और एक मतलब फेंकना वो DHA पर और इस्लामाबाद साइड वाली पर, इधर ना फेंकना क्योंकि इधर फेंके तो एक भाई एक पीछे से एक गाड़ी आ जाएगी सुनसान और उठा के ले गए जाएगी कि तुमने गुब्बारा कैसे उठाया मोहम्मद बिन सलमान का, ये तो हमारा है मोहम्मद बिन सलमान का गुब्बारा गुब्बारा भाई क्या बात है। लेकिन देख लो वो फिर भी नहीं आया यार, उठा सकते हैं आप लोग नहीं उठा सकते हैं इसलिए उन्होंने काफी तगड़े बाकी भाई वीडियो के ऊपर आए तो भाई एक समाज जो है ना वो बन गया है और किस तरह वर्ल्ड लीडर्स जो है ना वो पहुंच चुके हैं आज जो है ना उनका वेलकम वो बड़ा एक जोश और खरोश था भाई। बिल्कुल कोई शक नहीं, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब।